কাশ্মীর নামটি শুনলেই আমাদের এক একজনের মনে ভেসে ওঠে এক একটি ছবি। কারো কাছে কাশ্মীর ভূস্বর্গ, কারো কাছে আতঙ্ক, কারো কাছে কাশ্মীর পর্যটন, কারো কাছে আবার এই ব্যাট তৈরির কারখানা। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জম্মু শ্রীনগর হাইওয়ের ধারে বীজবেহারাতে। এই বীজবেহারা যা গোটা দুনিয়াকেই ক্রিকেট ব্যাট সাপ্লাই করে থাকে, এই বীজবেহারা যার পরিচয় ক্রিকেট ব্যাট তৈরির পাড়া হিসেবে। ये जो बैट बनता है ये विलो ट्री से बनता है। विलो ट्री एक्चुअली वर्ल्ड में दो ही जगह है, एक इंग्लैंड में आएगा, एक कश्मीर में आएगा, इंग्लिश विलो एंड कश्मीर विलो। कश्मीर में कैसे है, ये पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ों ने ही यहाँ पे ट्री लगाया है। सबसे पहले हम एक पेड़ काटेंगे, उसका जो शेप है वो हम इस ऐसा होगा उसका शेप, मतलब इससे मोटा भी रहेगा पेड़, इससे पतला भी रहेगा। इसके बाद हम इसका ये जो ऊपर का ये छिलका टाइप रहता है ये हम निकाल देते हैं। इसके बाद हम इसको इस शेप में लाते हैं जिसको हम विलो क्लिफ्ट बोलते हैं। विलो क्लिफ्ट ऐसा होगा, उसको हम एक साल सुखाएंगे, सीजनिंग करना पड़ेगा हमको एक साल। जैसे आपने रास्ते में देखा हर एक फैक्ट्री के ऊपर ऐसे ब्लॉग्स लगे हैं, उसको सीजन करना पड़ता है, एक साल सुखाना पड़ता है। 6 महीने ऊपर रहेगा, 6 महीने छत के नीचे रहेगा। इसके बाद हम इसको मशीन से कटिंग करते हैं, वी शेप ऐसे निकालते हैं मशीन से। हमारे पास दूसरा मशीन भी होता है, वो हैंडल के लिए है, वो भी बराबर सेम रहेगा, ये ऐसे रहेगा। इसके बाद हम इसको ग्लू से फिक्स करते हैं, फेविकोल, फेविकोल ऐसे से हम इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसका साइज़ लेंगे बैट का, साइज़ कौन सा चाहिए हमको। साइज़ के बाद हम इसको मशीन से शेप देते हैं, ये ऐसा आएगा, इस शेप में आएगा। इसके बाद इसका मैनुअल शेपिंग होगा, मैनुअल शेपिंग जो है वो हाथ से देना पड़ता है। इसके बाद हम इसको सैंडिंग करेंगे, फिनिशिंग हम जिसको बोलते हैं, ये फिनिश हो गया बैट। इसके बाद हम इसको यहाँ पे धागा लगाएंगे और फिर ग्रिप लगाएंगे और फिर वार्निश करेंगे, तो ये बैट रेडी हो गया। जो ड्यूज वाला बैट होगा उसका लकड़ी जो है वो इस टाइप में होगा। इसमें आप ये जो लकीर देख रहे हैं इसको ग्रेन्स बोलते हैं, ये नेचुरली आएगा इसमें, इसको ग्रेन्स बोलते हैं, लाइनस। अगर हमारे पास 1000 पीस लकड़ी होगा उसमें ऐसा वाला सिर्फ 5 पीस निकलेगा जिसका हम ड्यूज बेड बनाएंगे। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, जो 20 से 25 साल पुराना पेड़ होगा और पेड़ का जो बीच का हिस्सा होगा उसमें हमको ऐसा लकड़ी मिलेगा। और इस वुड को हम कॉम्प्रेस करेंगे मशीन से, सपोज़ अगर ये इतना थिक है तो इतना थिकनेस कम हो जाएगा कॉम्प्रेस करने के बाद, ये दब जाएगा, इसका स्ट्रोक बनेगा बैट का। और एक और बात जो है वो इसका हो गया बैट का हैंडल। हैंडल हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, एक आता है वुडन हैंडल, एक आता है केन हैंडल, बैम्बो बांस हम जिसको बोलते हैं, ये सिंगापुर मलेशिया से आता है। जैसे हम अक्सर मैच में देखते हैं 100-150 की स्पीड से बॉल आता है, उस टाइम ऐसे फ्लिक होता है 4 या 6 जाता है, हाथ में वाइब्रेशन नहीं आता है, हैंडल नहीं निकलता है, बैट टूटता नहीं है, वो हैंडल की वजह से नहीं होता। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য সোমনাথ রায়, বীজবেহারা।